जो दिन सुनामी आया हम हैप्पी रिसोर्ट में, राज सर और हम एक ही साथ एक ही अच्छा बेड में सोया था। और वो जो राज भाई उस टाइम बताओ बताओ बताओ। स्विमिंग नहीं जानता, राज भाई को स्विमिंग नहीं जानता, और सुनामी आ गया तो हम पानी देखने से पहले राज भाई को लेके भाग रहा था कि भाई को तो सुनामी स्विमिंग नहीं आता तो पहले भाई को बचा ले। पानी इतना नीचे चला गया कि सामने के चार पहाड़ी जैसी दिख रही है, और लोग आदमी बोले ऐसा तो कभी नहीं देखा, ये मतलब क्या है। देखते देखते फिर आवाज आ रही है पानी वापिस आ रहा है और तेजी से आया होगा। मेरा जनरेशन जो है फादर का फादर, फादर का मादर बांग्लादेश बोरिशल से है। अच्छा, तो फादर को कैसा लगता था जब यहाँ? बहुत बढ़िया, मेरे को हमेशा बोलता है, अभी जाने का पहले भी बोला बेटा कभी भी तुम मिलैंड नहीं जाना, ना मन ही रहे ना, इतना बढ़िया जगह मिलैंड में नहीं होता। रूम में बैठे बैठे हम बोर हो चुके थे तो हम निकल आए एक नया बीच एक्सप्लोर करने के लिए, और पहले पहुंचे हम गोविंद नगर बीच, जो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा। जिस जगह पे हम उतरे थे गोविंद नगर बीच के, वहाँ पे स्टिंग कर रहा था वो, तो हमने कहा चलो यहाँ से बाहर निकल के फटाफट निकलते हैं काला पत्थर बीच के लिए। तो अब आ गए हम काला पत्थर बीच के लिए। आज बहुत थक गए थे क्योंकि मॉर्निंग हमने सी वॉकिंग करी। सी वॉकिंग जब कर रहे थे तो उस टाइम पे एक चीज़ बहुत अच्छी थी, वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि वहाँ पे सी वॉक कराते हुए एक पर पर्सन के साथ हमेशा एक इंस्ट्रक्टर पीछे खड़ा रहता है, आपको अकेले नहीं छोड़ता है वो। तो आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं, अगर आप डर रहे हो तो इस वजह से मत छोड़ना कि वहाँ नीचे जाके कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पर पर्सन के साथ एक इंस्ट्रक्टर ज़रूर होता है। तो उसके बाद थक गए थे तो थोड़ी देर हम रूम में रहे, फिर हमने सोचा यार आए हैं तो टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो हम इवनिंग में निकल आए हैं काला पत्थर बीच, और देखिए ऐसा है काला पत्थर बीच। यहाँ का वैसे सनराइज़ बहुत फेमस है, बट हमारे पास टाइम, क्योंकि हर कोई लिमिटेड टाइम के लिए आता है, हम तो फिर भी 3 डेज यहाँ रह रहे हैं, 3 डेज पोर्ट ब्लेयर में रहे, 3 डेज हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमने कहा टाइम का यूटिलाइज़ करते हैं। तो बीच तो देखना ही था तो हमने कहा चलो काला पत्थर बीच आज ही दिखाते हैं। तो देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा है, पानी का कलर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल 2-3 कलर्स आ रहे हैं अभी इस टाइम पे भी, जबकि कोई धूप वगैरह नहीं पड़ रही है, बट बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम क्लीन है। वैसे तो सबसे क्लीनेस्ट बीच राधानगर बीच है, बट ये भी ठीक है। वैसे तो हैवलॉक में जैसे सनसेट फेमस है राधानगर बीच का, वैसे ही सनराइज फेमस है इस काला पत्थर बीच का। तो बट यहाँ का सनसेट भी बहुत अच्छा है, ये देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है आगे को। वैसे तो आज मॉर्निंग हमें स्कूबा डाइविंग के लिए जाना था बट प्लान चेंज हो गया क्योंकि सारे स्लॉट बुक हो गए थे, तो हम पहले सी वॉकिंग के लिए चले गए और उसके बाद हमने किया डीप सी स्नॉर्कलिंग, और इसमें ही सारा टाइम हमारा चला गया था। उसके बाद हम होटल जो पहुँचे थे वो 2 से 2:30 बजे के बीच पहुँचे थे। तो अब हमारा कल जो है स्कूबा डाइविंग का स्लॉट है, तो कल हम जाएंगे स्कूबा डाइविंग। नहीं तो हमने कल का दिन जो था यहाँ काला पत्थर बीच के सनराइज़ देखने के लिए रखा था, बट अब दोनों दिन हमारे इंगेज हो गए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम आज ही देखने आ गए हैं यहाँ पर कि ये बीच कैसा है। बट आप अगर यहाँ आएँ तो यहाँ का सनराइज़ देखने ज़रूर आइए काला पत्थर बीच का। तो जो काला पत्थर बीच है वो गोविंद नगर बीच से पड़ता है कुछ 3 या 3.5 किलोमीटर पे, और जहाँ हम स्टे कर रहे हैं राधानगर बीच पे, वहाँ से गोविंद नगर बीच पड़ता है 8.23 किलोमीटर पे, और ये जो काला पत्थर बीच है वो पड़ता है 10 to 11 किलोमीटर पे। तो हैवलॉक में घूमते हुए हम यहाँ के एक लोकलाइट्स हैं गोविंद माझी जी, उनके घर आए हुए हैं, तो उनसे थोड़ी बात करते हैं। एवलॉग जब मैं आया था 1998 में 1997 में पहली बार, तो जब इधर आया तो यहाँ 4-5-6 रिसोर्ट होंगे। अच्छा। 5-6 रिसोर्ट थे, मैंने 6वें नंबर में कि 7वें नंबर रिसोर्ट बोले तो छोटे छोटे हट्स शैक्स। ओके। रिसोर्ट ही कहलाएगा। हाँ, तो वैसे वुडन झोपड़ी होते हैं, झोपड़ी हट जैसी होती है, जैसे मैट्रेस रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, 100 रुपए में हट मिल जाता। लेकिन टूरिस्ट से फॉरेनर्स होते थे, तो 7-8 थे, आज 70-80 हैं। आज सब बहुत है, आप सोचिए कितनी तेजी से बढ़ा है।
गोविंदम दोनों एक साथ ही रिसोर्ट में होते थे। अच्छा। मैंने रिसोर्ट जब स्टार्ट किया तो ये फर्स्ट डे टू लास्ट डे तक था ये। अच्छा। ये कुकिंग भी करते थे, ये बोट ट्रिप में भी लेके जाता था, ये हाउसकीपिंग भी करता था। ओके। जबकि उस समय 18-19 साल का होगा, 18-19 साल से लेके 30-35 साल, मतलब 15-10-12-13 साल कंटिन्यू अपनी यूथ लाइफ वहाँ ये स्पेंड किया है। तो अब मैं फिर रिसोर्ट देख के बैठ के मैं फिर जर्मनी चला गया। अब जब आता हूँ तो किसी के साथ होता हूँ। और तो फैमिली आपकी? फैमिली सब इधर ही थी अभी, मतलब हम रहते जर्मनी में ही हैं। हाँ जी। अभी हम लोग आए थे, 6 महीने रह के गए। तो आज सुबह अभी उनसे बात हो रही थी तो मेरी वाइफ को बता रहा था कि मुझे लग रहा है मैं आपके रिसोर्ट में बैठा हूँ, जल्दी छोड़ता क्योंकि गोविंद समय मेरे साथ होता है। तो भैया आप कहाँ से आए, यहाँ पहले से यही थे या कहीं बाहर से आए? मेरा जनरेशन जो है फादर का फादर, हाँ जी, फादर का मादर बांग्लादेश से है। अच्छा। बांग्लादेश बांग्लादेश बोरिशल से है। अच्छा। तो मैं पैदा तो इधर ही हुआ और मेरा फादर बांग्लादेश में पैदा हुआ, मेरा मादर भी बांग्लादेश बोरिशल में पैदा हुआ। अच्छा। तो उस टाइम जब ब्रिटिश जब इंडिया और बांग्लादेश ये हुआ, क्या बोलते हैं उसको, पार्टीशन हुआ या कुछ हुआ 1947 का बाद में 1956 में, उस टाइम ये काला पानी था, इसका नाम पहले तो अंडमान निकोबार, तो बाद में पहले काला पानी था। तो हम लोग को क्या बोलते हैं उसको दीपांतर किया था फादर का फादर को इंडिया और फादर को भी इंडिया। इसका बाद इस लोग को उधर से दीपांतर करके अंडमान काला पानी भेज दिया। तो फिर इधर में हम लोग फिर हम तो कभी मेरा फादर मदर बोला भी नहीं कभी बांग्लादेश जाओ या मिलने जाओ, जब लोग नहीं गया बांग्लादेश, फादर जाता था जब आया उस लोग, फिर बाद में भी गया फादर मदर गया, फादर का मदर गया, लेकिन हम नहीं गया। तो जनरेशन तो उधर से बांग्लादेश से है। तो भैया जैसे लोग पेरेंट्स हैं तो लैंग्वेज बैरियर वगैरह कुछ नहीं यहाँ पे? हम लोग का लैंग्वेज जो है हम लोग का बोरिशल भाषा है, बोलने से इंडिया में तो हम लोग को क्या भाषा बोलता हम लोग, बांग्ला, बांग्ला बोलता है। तो हम लोग बंगाली है लेकिन बोरिशल में बात करते हैं, हम लोग को जो है इधर में जो बंगाली है थोड़ा अलग है, उसमें से थोड़ा अलग है बोरिशल भाषा बोलता है। अच्छा, उससे भी थोड़ी अलग है, थोड़ा सा अलग है। बांग्लादेश तो जैसे पंजाब है, हाँ जी, पंजाब सारे पंजाबी बोलते हैं, लेकिन आप रामगढ़ जाओगे तो वहाँ की पंजाबी अलग है। तो हर जैसे आप समझ लीजिए इंग्लैंड में हर इंग्लैंड के लोग एक ही जैसे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हर भाषा 30-40 किलोमीटर बाद में डायलेक्ट है। तो ये बोरिशल से है। हाँ। और जो लोग लाहौर से आए हमारे पेरेंट्स जैसे, हाँ, उनकी अलग है, उसमें थोड़ी उर्दू मिक्स है, थोड़ी हाँ, है। तो ये बोरिशल से है। बोरिशल के लोग बहुत अच्छे कुकिंग में बहुत तगड़े होते हैं, ये मेरे फिश वगैरह जो बनाते हैं नहीं, उनके कहावत क्या है कि ये घास को भी पका के खिला देंगे मसाले के साथ तो आप खा लो। अच्छा। हाँ, ये साग सब्जी पत्ता ये वो बनाने में बहुत तेज है, बहुत बढ़िया। तो भैया आप यहाँ आए तो आपको बांग्लादेश से कितना डिफरेंट लगता है हैवलॉक? हम तो नहीं है एक्चुअली, मेरा जनरेशन है फादर मदर, हम इधर में ही बॉर्न हुआ है, इधर में ही पैदा हुआ, मेरा को इधर एकदम बेस्ट लगता है। क्या लगता है तो बढ़िया है, अंडमान जैसा और जैसी भी मेनलैंड से या कोई भी जगह से जितना आदमी लोग आते बोलते हैं, हर कोई बोलता है मेरे को अंडमान सबसे डिफरेंट है, डिफरेंट है सबसे, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और इधर में फेमस सी फूड ही है हम लोग का जो है, सी फूड है, फिश प्रॉन्स क्राब, यही ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग खाते हैं इधर। और जब पेरेंट्स को कैसा लगता है यहाँ पे? मेरा पेरेंट्स बोलने से मेरा फादर भी नहीं है, मदर भी नहीं, फादर डेट हो गया अभी 4 महीना पहले, 4-5 महीना पहले फादर डेट हो गया, और मदर डेट होके मेरा हो गया कम से कम 20 साल पहले। तो फादर को कैसा लगता था जब यहाँ? बहुत बढ़िया, मेरे को हमेशा बोलता है, अभी जाने का पहले भी बोला बेटा कभी भी तुम मिलैंड नहीं जाना, ना मन ही रहे ना, इतना बढ़िया जगह मिलैंड में नहीं होता है, मिलैंड मिलैंड नहीं है अंडमान, तुम लोग अंडमान में पैदा हुआ मिलैंड में नहीं, तो मिलैंड कभी भी मत जाना गलती से, ठीक है, इधर में तुम लोग पहले बेस्ट है, इससे इससे बढ़िया जगह हम अपना बांग्लादेश में भी नहीं, पीसफुल जगह होगी ना भैया। हाँ, कभी फादर मदर कभी कोशिश भी नहीं की हम लोग को लेके जाने के लिए, उसका उधर जाए फिर वही है काला पानी, हम लोग को दीपांतर किया, फिर
समझ में उधर जाना कोई जरूरत नहीं, बोल रहे इधर ही रहो और इधर ही हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और बेस्ट बढ़िया है। हम सीजन में रिसोर्ट में काम करते हैं शिफ्ट का, एग्जीक्यूटिव शिफ्ट का, और ऑफ सीजन में तो 6 महीना ऑफ सीजन रहता है, बारिश होता है 6 महीना 5 महीना 6 महीने पूरी बारिश होती है। 6 महीने एकदम रेगुलर बारिश ही होते रहते हैं तो उस टाइम ऑफ सीजन हो जाता है। उस टाइम जब गेस्ट नहीं होता है तो हम लोग अपना जो पर्सनल घर का काम है जैसे खेती बाड़ी करना, सब्जी करना, ये सब काम करते हैं। बोट है मेरा, फिशिंग बोट है, फिशिंग चले जाता है, ये सब काम करते रहते हैं ऑफ सीजन में। हर सीजन में रिसोर्ट में काम करते हैं, ठीक रहता है। वरना और टाइम नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीना आपको क्या है ठंडी लगेगा ज्यादा से ज्यादा 6 महीना में। हाँ, मतलब हमें तो नॉर्मल गर्म ही लग रहा है दिन में तो। टेम्परेचर इतना ही होता है हमेशा, रात का टाइम में थोड़ा ठंड हो जाता है और दिन का टाइम में जो टेम्परेचर है इस तरह ही होगा। और इतना सिक्स मंथ और 6 महीने तो आपको ज्यादा टाइम क्लाउडी दिखाई देगा, बाकी 6 महीने रेनी सीजन रेनी है एकदम। आपको हफ्ता में कभी कभी ऐसी हो जाता है क्या, हफ्ता भर ही रेन्स होते रहता है रोज, एवरीडे रेन्स। कभी कभी हफ्ता में 3 दिन 4 दिन हाफ डे रेन्स और हाफ डे थोड़ा सा धूप दिखाई देता, वो भी क्लाउडी होने से सूरज ठीक से दिखाई नहीं देगा, 8-6 महीने चलते रहता है। अच्छा, आप जहाँ मैंने सुना था पहले कि जैसे यहाँ पे जो बेस्ट वेदर है अक्टूबर से जो 6 महीने मतलब होते हैं मार्च तक ये रहता है, उसके बाद गर्मी होती है, बट आप कह रहे कि रेनी सीजन होता है गर्मी नहीं है। नहीं, गर्मी तो अभी ये गर्मी है, अभी धूप आपको एकदम खिला हुआ मिलेगा। अच्छा, मतलब गर्मी यही है, यही और है, बाकी जो सीजन है जो सीजन अक्टूबर से आपका फरवरी मार्च तक, जिसको हम वहाँ पे नॉर्थ इंडिया साइड सोचते ठंडा हो गया है वहाँ, मतलब हमारे साइड तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, शुरू हो जाता है वो आप लोग का सीजन, उस टाइम आप लोग का ऑफ सीजन होता है शायद, या सीजन मतलब स्नोफॉल हो गया तो ऑफ सीजन, मतलब लेकिन अब तो स्नो देखने भी लोग घूम के आ रहे हैं तो स्नो भी देखने, तो हम लोग का ऐसी नहीं, हम लोग को क्या बारिश के टाइम में जो 6 महीने बारिश है तो एकदम वो ऑफ सीजन रहता है, और मतलब बाकी गर्मी नहीं होती यहाँ पे, ऐसी नॉर्मल रहता है, ऐसी नॉर्मल होता है। दिन का टाइम में जब आपको दिखाई देता है क्लाउडी सन है, नहीं वो ऑफ सीजन में, अभी एकदम सन आपको खिला खिला दिखेगा 6 महीने, वो 6 महीने अक्टूबर टू मार्च जो रहता है मेन है, सूरज ठीक से दिखता है, अदरवाइज ऑल टाइम रेनी सीजन, और मतलब इतनी गर्मी नहीं है कभी, अभी भी गर्मी इतनी नहीं है, और हम लोग का यही गर्मी है, हम लोग तो कभी सोनो देखा ही नहीं, अंदमान में सोनो फॉल होता ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी, सोनो फॉल तो होता ही नहीं, ये है हम लोग का गर्मी। तो मुझे हमें मतलब मुझे क्या मतलब जो सुना था बाहर से, क्योंकि पहले तो हम यहाँ कभी आए नहीं थे, तो हमें लगा था कि यार ये विंटर सीजन है तो यहाँ पे यही मौसम ठीक रहता है, बाकी टाइम गर्मी होती है बहुत, बट आप कह रहे हैं बाकी टाइम रेनी सीजन होता है बाकी टाइम, तो वही जैसे गोवा में तो बहुत गर्मी हो जाती है, यही है हम लोग का गर्मी, ये जो सर निकालते हैं इसको हम लोग गर्मी बोलते हैं। नहीं, थोड़ा बात में फर्क क्या आ गया मालूम है? कहने का मतलब है गर्मी तो 12 महीना है, यहाँ 28 से 32 होता है पूरे साल। अच्छा, 28 to 32 उसमें समझ लीजिए, ये जो दिसंबर का मौसम है जनवरी के फर्स्ट दो भी ये 28-27 तक चले जाता है, यानी दिस इज द विंटर का वर्णन। अभी आप अगर बीच में आग जला के बैठेंगे स्विमिंग करने के बाद तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको आग महसूस करने की इच्छा होगी। क्योंकि अभी भी जब हम दिन में गए थे, मॉर्निंग गए थे सी वॉक करने के लिए और स्नॉर्कलिंग के लिए, तो बाहर निकल के आए तो ठंडा लग रहा था। वही ये जो ठंड है ये सिर्फ ये 6 हफ्ते आगे के ये 2 हफ्ते जो गए आने के 4-5 हफ्ते ऐसा महसूस होगा जनवरी के एंड तक, मतलब गोवा से बिल्कुल अलग वेदर है यहाँ का। ये तो टोटल ट्रॉपिकल आइलैंड है। हाँ, ट्रॉपिकल है ये, मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे भरोसा नहीं होता कि कभी भी बारिश हो सकती है। अंडमान वन टाइम रिकॉर्डेड एज द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, सबसे पहली टाइम जो बात है तो एक समय रिकॉर्डेड है इससे ज्यादा रेनफॉल वर्ल्ड में एक टाइम में, एक ऐसा साल था जो सबसे ज्यादा, उसके बाद मेरे ख्याल से अभी ये कितने नंबर में है मालूम नहीं लेकिन टॉप लिस्ट में ही है रेनफॉल। हाँ, बहुत तगड़ी रेनफॉल है, मैं जून से आया हूँ अभी तक मेरे ख्याल से पिछले 1 हफ्ते से बरसात नहीं हो रही। हाँ, 1 हफ्ते से नहीं तो उसके पहले तो बरसात ही बरसात, बहुत तगड़ी बरसात है, अभी तो बरसात कम हो गई है। मतलब वहाँ मेनलैंड इंडिया में तो यानी हम कुछ अलग ही सुनते हैं, मतलब आपको असली चीज का पता यही आगे लगेगा,
रह के आपको पता नहीं चलता है कि जो लिखा भी रहता है गूगल में भी पढ़ते हैं तो बेस्ट वेदर यही कहते हैं, मतलब कहते हैं गर्मी हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि सारा कुछ सच नहीं है उसमें, यही आके ही ज्यादा पता चल रहा है कि ऐसा मौसम रहता है। हाँ, ऐसा मौसम ये दिसंबर के एंड में और जनवरी के बिगनिंग में, उसके बाद फिर अभी ये समझ लीजिए जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बरसातें नहीं होंगी, बहुत तगड़ी गर्मी पड़े तो कहीं थोड़ी बरसात हो जाए, थोड़ी बहुत, नहीं तो बालू सूख जाएंगे, पेड़ जो है वो हरे तो हैं ही, लगेगा जेल हो गया, ग्रीन जेल एकदम पूरा ब्राइटनेस, मतलब जो फ्लावर ब्लॉसमिंग का फ्लावर एकदम खिल जाता है अंदर, समंदर का कलर 5 कलर आपको फिर दिखेंगे, गैरिटी बहुत तगड़ी पानी में, तो इस समय तो अंडमान एकदम पूरे अपने तुंग में होता है। जो सी है उसमें क्लैरिटी कहते हैं मई टाइम पे सबसे ज्यादा होती है, मई टाइम में भी होता है बरसातों से पहले पहले, क्योंकि मई में बरसात शुरू हो जाती है। अच्छा, मई में बरसात क्लैरिटी अभी के कंपैरिजन में वो अप्रैल मई में रहती है, अभी ज्यादा रहती है यहाँ पे, नहीं बता सकता सही, पानी की क्लैरिटी कब ज्यादा रहती है, पानी साफ कब दिखेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब्रुअरी, जनवरी फेब्रुअरी वही बात है, क्योंकि हवा भी कम हो जाए जब तो पानी एकदम शांत हो जाता है, तो अपने आप ऑटो, मेरे ख्याल से तो अभी ये जो फुल मून आ रहा है 8 तारीख को फुल मून है, आप यहाँ के फुल मून में एक चीज है बीच में बैठ के किताब पढ़ सकती है पहली बात, दूसरी बात ये कि आप डूंगी से अगर जाएंगे ना तो आपको 3-4 मीटर नीचे अंदर ऐसे भी रात को दिखाई देगा चांद की रोशनी से, क्यों एकदम कोरल और एकदम पानी एकदम क्लियर दिखाई देगा। और एक 10 डेज कार्निवल भी कुछ होता है मैंने सुना था यहाँ पे जनवरी में अंडमान में, कुछ कोई फेस्टिवल गवर्नमेंट जो करवाती है फेस्टिवल होता है, बॉर्डर में होता है मिलन एक बार होता है मिलन, बट जैसे मैंने जो पढ़ा था उसमें लिखा था कि हर साल जनवरी में होता है, वो हर साल नहीं होता है, अच्छा दो दो साल के बाद एक बार होता है, दो दो साल के बाद होता है, अच्छा दो दो साल के बाद, उसमें लोकल कल्चर और ये कुछ आर्ट फॉर्म्स यहाँ की और मैजिक शोज वगैरह, मैजिक शोज होता है, आर्टिस्ट होते हैं बाइक का, अच्छा बाइक आर्टिस्ट होता है, हाँ जी हाँ जी, और मतलब लोकल कुछ डांस वगैरह वो सब चीजें वो मेलेंडर्स से आते हैं, अच्छा ये कोई ट्राइब भी है बाहर की यहाँ जरवा है, एक्चुअली ट्राइबल्स है इधर जो जरवा होता है, नहीं जहाँ एक गवर्नमेंट ने बैन कर दिया जहाँ जाना, एक आइलैंड है यहाँ पे कहीं पे सेंटिनल आइलैंड है निकोबार में, निकोबार में वहाँ पे 1956 में गवर्नमेंट ने वो कर बंद कर दिया था, अभी भी बंद है निकोबार में, हम लोग नहीं जा सकते, अब भी नहीं जा सकते, हम भी नहीं जा सकते, निकोबारिस्ट जो है वो आ सकता है अंडमान में, कोई भी आइलैंड में रह सकता है, लेकिन हम लोग उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से, सेंटिनल जो है ट्राइब्स इंडियन लोग को पसंद नहीं करते, नहीं करते उस लोग, देखने से क्या है उस लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर देखने से भी तीर धनुष फेंकता है, अभी ये 2 साल पहले एक अमेरिकन कुछ उसका कल्चर दिखाने सिखाने के लिए गया था, उसको तो मर्डर हो गया शायद, वो क्या वो मालूम नहीं, लेकिन ऐसी अमेरिकन का हो गया कुछ, आपने पढ़ा था खबर में, नहीं, मैंने पहले का अभी वहाँ पे बैन है क्योंकि जो भी जाता है तो उसे मार देते हैं वो लोग, एकदम उधर आइलैंड में अभी अमेरिकन का हुआ था, पड़ा था क्या, पूरा वर्ल्ड न्यूज़ है, 1 साल पहले ही हुआ था, ये तो वर्ल्ड न्यूज़ है, तो जैसे वहाँ जाना तो बैन है तो फिर वो कैसे चले गए उधर, को तो गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं कर रखा उधर जाना, वो इलीगल गया, लीगल नहीं गया, वो इलीगल चले गया था उधर में, गवर्नमेंट को पता ही नहीं था क्या कोई उधर जा रहा है, फिर पता कैसे चला उनका, जब उसका जो उसको लेके गया या पोर्टब्लर से वो गया था शायद, पोर्टब्लर से गया था, तो पोर्टब्लर से जब गया तब उसका परमिट है या वीजा है जो भी है, उसको जब तलाश करना शुरू हुआ तब पता चला हाँ ये फलना आदमी उधर में गया था, काफी मतलब
जिनसे आप भी इंटरेक्ट नहीं करते उनकी कुछ लैंग्वेज भी अलग है? हाँ, उसका लैंग्वेज भी अलग है, उस लोग का बदन में कपड़ा भी नहीं होता है। अच्छा। और उस लोग तीर धनुष लेके ही घूमता है। अच्छा। और उस लोग ज्यादा से ज्यादा उस लोग कुकिंग तो करता नहीं है। हाँ जी। उस लोग जो भी है जला के फायर में जला के ही खाता है। अच्छा। और वो हम लोग को लोकल लोग को पसंद भी नहीं करता। और कुछ अगर कुछ हेल्प भी लेके गया तो तभी भी मार देता है। और कुछ पेट्रोलिंग के लिए भी लोग लगा रखे हैं यहाँ की पुलिस ने, कुछ 5-6 किलोमीटर पहले उनके कोई वहाँ जाना पड़ता है? जा ही नहीं सकता, उसमें कोस्ट गार्ड है। हाँ जी। कोस्ट गार्ड हमेशा अगल बगल ही होता है कि आप आइलैंड का अंदर मगर कुछ मीटर है उसका मीटर चलेगा तो आपको फिर अरेस्ट कर लेगा। तो जैसे वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में कैसे वो काउंटिंग करते हैं? कि कहते हैं कि 42,400 या 500 है, तो उन्होंने ये पूरा जो भी है वो अंदाज में कर रहा है इस लोग क्या इतना पॉपुलेशन है या हेलीकॉप्टर से या कैसे भी उस लोग कुछ करता है, लेकिन उस लोग उसमें आइलैंड में एंटर होके नहीं करता है। तो मतलब एग्जैक्ट तो होगी नहीं, क्योंकि ऐसे तो काउंट कर ही नहीं सकते, ऐसे ही बता रहे कि हाँ बस इतने लोग हैं यहाँ। नहीं, साइंस का तरफ से हो जाता है, हमको तो ऐसी मालूम है। सैटेलाइट से कर सकते हैं, ड्रोन से कर सकते हैं। अभी वो एग्जैक्ट तो नहीं बता, फिर भी नहीं एग्जैक्ट। अभी जरवा कितना एग्जैक्ट इंडिया गवर्नमेंट को ये भी नहीं मालूम। जरवा उनके साथ भी कहते हैं फोटोग्राफी वगैरह और ये सब अलाउड नहीं है, उनको कुछ गिफ्ट देना वगैरह। ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड है, शायद उसके रस्ते में मिलते हैं। मिडिल अंडमान जो है। हाँ जी। आपका मिडिल अंडमान में ही होता है। हाँ, जब दिल्लीपुर वगैरह और बाराटांग है। हाँ, बाराटांग टू कदमतला, तो वहाँ जिर्गाटांग टू बाराटांग, जिर्गाटांग टू बाराटांग, बाराटांग टू कदमतला, इतना एरिया में ये आपका ट्रेवल्स मिलेगा जो आदिवासी जरवा बोलते हैं। तो कुछ बोलते हैं फाइन पड़ जाता है वहाँ पे अगर उन लोगों से आपको गिफ्ट दिया है, फोटो ले नहीं सकता कुछ भी। अब जब जाते हैं बाई रोड डिग्लीपुर नॉर्थ अंडमान जो जाता है मिडिल अंडमान पास होते, तो उधर में गाड़ी स्लो करना भी मना है। अच्छा, गाड़ी। और जब वो गाड़ी में पार होंगे तो आपका साथ में पुलिस रहेगा, गार्ड रहेगा। अच्छा। तो आपको एक साथ में जो एक गाड़ी को करना भी वो नहीं है उनके साथ अलाउड। कोई कोई अगर फोटो ले लिया चुप से, अगर दिखाई नहीं दिया तो बात अलग है। अच्छा, मतलब फोटो लेके चले गए यार, चले गए तो बात अलग है, लेकिन आप ऐसी प्रॉपर नहीं फोटो खींच सकते, फिर तो फाइन भी है और उसमें बहुत कुछ होता है। लेकिन जरवा ठीक है, फिर भी जरवा लोग अभी अभी मटर बोलने से मारता नहीं है, इतना वो नहीं है। नहीं, उस लोग नॉर्मली है। अभी उस लोग के लिए मेडिकल भी खोल दिया है मिडिल अंडमान में, तो प्रॉपर कुछ बीमारी होने से मेडिकल चेकअप कराता है। उस लोग को स्टे करने के लिए उधर में जगह भी बना के दिया है जो जरवा लोग रहता है। गवर्नमेंट बहुत हेल्प किया, उस लोग को घर भी बना के दिया है उस लोग का आइलैंड में। जो ये कहते हैं ट्राइब्स है 5-6 टाइप की यहाँ पे, वो सेंटिनल वाले भी इन्हीं उन्हीं से कुछ है। बट सेंटिनल ये जरवा जो है इस लोग को दिखता है एक्चुअली अफ्रीकन जैसा। अच्छा। इस लोग का ये जो स्प्रिंग हेयर है और अफ्रीकन ब्लैक है। हाँ जी। और ये सेंटिनल जो है इस लोग रेड है, जो रेड एंड ब्लैक है, इस लोग प्योर ब्लैक नहीं है। और इस लोग का हेयर भी है जो स्प्रिंग हेयर नहीं है। अच्छा। इस लोग को हम लोग का इंडियन जैसा ही हेयर है। अच्छा, इंडियन जैसे ही है। हाँ, इंडियन जैसे ये हेयर है। और उस लोग का लुकिंग में भी थोड़ा चाइनीज आता है, जैसे निकोबारी देखने में भी चाइनीज दिखता है उस लोग को। अच्छा। तो ऐसी सेंटिनलिस्ट लोग को भी थोड़ा चाइनीज दिखता है, लेकिन उस लोग का निकोबारी जैसा व्हाइट नहीं है, उस लोग भी ब्लैक एंड रेड है। और उस लोग जो भी हंटिंग करता है उस लोग के पास तीर धनुष नहीं होता, उस लोग के पास एरो होता है, जो वर्षा बोलता है। एक होता है वो करते फेंकते हैं वो। हाँ, वो नहीं, ये होता है वर्षा, लंबा लंबा होता है, इसको फेंकते हंट करता है इस लोग। अच्छा। और जरवा मारता है तीर धनुष से। अच्छा। इस लोग का हथियार अलग है, इस लोग का हथियार अलग है। अच्छा। अलग है। और भी ट्राइब्स थी 2-3 कुछ यहाँ की है, पठान है, सेंटिनल है, उंगी है। हाँ, उंगी। हाँ, उंगी है, सेंटिनल है, जरवा है, जंगली है। जरवा से डिफरेंट होते हैं उंगी और जो है। हाँ, उंगी जो होता है इस लोग को भी थोड़ा अलग है इसमें, लेकिन लुकिंग में ऐसी है ब्लैकी है। और इस लोग का आइलैंड भी अलग है। अच्छा। जरवा तो आपका आगे मिडिल है। हाँ, मिडिल अंडमान। हाँ, और उंगी होगी आपको लिटिल अंडमान हटबे। अच्छा, लिटिल अंडमान कौन सा किस साइड पर पड़ता है पोर्ट ब्लेयर के? साउथ। साउथ नीचे और नीचे। हाँ, निकोबार से पहले। अच्छा, निकोबार। ये आइलैंड में मिलेगा आपको उंगी। अरे जो जंगली है
जंगली हम लोग का ये साउथ में है, हाँ नॉर्थ में है। जंगली वाले तो अंडमानी से, हाँ जो स्टेट आइलैंड में रहते हैं। इस लोग को भी गवर्नमेंट सब कुछ करते दिया, लेकिन इस लोग भी जंगली है, इस लोग का आइलैंड में भी एंटर नहीं करना बिना परमिशन। अच्छा, जंगली वाले उनके इसमें भी एंटर नहीं? नहीं नहीं, जंगली भी नहीं और सेंटिनल भी नहीं, जरवा भी नहीं, उंगी भी नहीं। अच्छा, भी मतलब इतने वो होते हैं, मतलब मार देते हैं लोग? हाँ हाँ, जरवा तो एक थोड़ा सा जगह में नहीं, उस लोग बहुत जगह फैला हुआ। कुछ जरवा है जो एकदम ही पसंद, वो होली का दिन में भी उस लोग होली खेलता है, लेकिन हम लोग का साथ नहीं खेलता, उस लोग अलग से होली खेलता है। अच्छा। मतलब आप लोगों के साथ भी ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं वो लोग? नहीं, उसमें भी साउथ नॉर्थ जरवा है। अच्छा। तो साउथ का जरवा जो है ठीक है थोड़ा बहुत, नॉर्थ का जो जरवा है उस लोग कभी भी नहीं जाता, खतरा है, नहीं जा सकता जरवा। तो आप अपना नाम बताइए। पुष्पा वांडे। हाँ, तो आप यहीं से बिलोंग करती है? तुम कौन जगह रही जगह? हाँ, अंडमान से बिलोंग है, दिगलीपुर में इसका घर है। अच्छा, दिगलीपुर फोर्ट ब्लेयर। हाँ, मतलब फोर्ट ब्लेयर से 7 to 8 hours का पड़ता है दिगलीपुर। हाँ जी, तो आप कब से यहाँ रह रहे हैं? आप मतलब आपके पेरेंट्स भी यही रहते थे दिगलीपुर में? वो मतलब उसके पहले कहाँ रहते थे? उसके पहले बांग्लादेश रहते थे। अच्छा, मतलब आप भी बांग्लादेश? नहीं नहीं, आप बांग्लादेश के नहीं, हम नहीं नहीं, आप तो यही के मतलब वो आपके पेरेंट्स वहाँ से इधर आए हैं? नहीं, मेरा जो मेरा ठाकुर दादा है, मतलब मेरा नाना जी। हाँ जी। और मेरा नाना जी नानी वो सब बांग्लादेश के है, मेरा अब्बा भी बांग्लादेश के। अच्छा, और वो फिर यहाँ आए, मतलब वो वही, मतलब मम्मी पापा तो यहीं आ गए और नाना नानी वो भी यहीं आ गए थे। अच्छा, नाना नानी के टाइम से आप लोग यहीं पे ही हैं सेटल्ड ना? तो दिगलीपुर में कैसे, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक आप क्या करते हैं, कैसे मतलब वो स्कूलिंग वगैरह कहाँ पे होती है यहाँ पे? जैसे सुबह उठते हैं तो कैसे, मतलब यहाँ पर कैसे आप करते सारे अंडमान में, मतलब अंडमानी जो प्रॉपर होते हैं वो क्या करते हैं सुबह उठ के, कैसे मतलब अपना दिन कैसे स्टार्ट करते हैं? सुबह उठ के हम हाशो नको सत्य को सवेरे सकाल उठे की करो तुम? सुबह उठ के मेरा काम जो काम है हम करती है। की काम करो? अगर फिश नहीं है तो कहाँ से पकड़ती है, कहाँ से पकड़ के लेके आते हैं? अगर फिश नहीं है घर में तो कहाँ से पकड़ते हैं? पीछे डिग्गी है। अच्छा, मतलब डिग्गी मतलब पॉन्ड जो होता है जिसमें फिश वो पालते हैं वो, और नहीं तो समुद्र में भी जाता है, सी में जाता है फिशिंग। अच्छा, सी में वहाँ जाके आप खुद करती पकड़ लेती फिश? ज्यादातर मेरा साथ जाता है, और नहीं तो अकेला भी जाता है, मतलब अकेले भी कर लेती है फिश पकड़ना वगैरह, फिश पकड़ के ला के घर में पकाती भी है। तो मतलब जैसे यहाँ पे अंडमान में भी मैंने जैसे यहाँ पे पूछा, यहाँ पे बोलते की दूध चाय, दूध वाली चाय ज्यादा नहीं पीते हम लोग, कहते हैं लोग तो लाल चाय पीते हैं, लेकिन मेरा जो है गाय भी है मेरे घर में। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग क्या है गाय का दूध से ही, मतलब आप प्रॉपर वो वाली? हाँ, घर का जो है वो हम लोग घर का गाय से ही दूध पीते हैं। हाँ। तो गाय का दूध से चाय भी पीते हैं, और अंडमान का एक्चुअली रेड ब्लैक टी फेमस है जो अंडमान का हर कोई पसंद करता है। वही हमने आप पूछा तो ज्यादातर लोग हमने जैसे हम जैसे कर्ड वगैरह पूछ रहे थे, दही वगैरह मिल जाएगा तो यहाँ पे रखते ही नहीं है लोग ज्यादातर, और एक दो लोगों से पूछा तो घर में बनता है एक्चुअली सबका घर में। इधर में तो क्या है ऑक्सीजन में जितना ज्यादा, इधर में 70% जो है मेलैंड से आके वर्कर है। अच्छा। सब रिसोर्ट में जितना है, जब ऑक्सीजन में हो जाता है तब हम लोग लोकली लोग रहते हैं इधर में। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मार्केट में सेल कमती हो जाता है, वेजिटेबल का रेट कमती हो जाता है, फिश का रेट कमती हो जाता है, क्योंकि हम लोग लोकल लोग ही बना लेते हैं घर में। अच्छा। जैसे वेजिटेबल फार्मिंग करना तो हम लोग खुद घर में कर लेते हैं। फिर मेरा फिशिंग बोट भी है, ऑफ सीजन में हम फिशिंग भी चले जाते हैं, घर का मच्छी खा लेते हैं, पकड़ के अपना बीच से लेके आके खा लेते हैं। बस घर का ही ज्यादा से ज्यादा खर्चा तो हम लोग का एकदम होता ही नहीं है, कमती खर्चा है जो भी है ऑफ सीजन में थोड़ा खर्चा होता है क्योंकि गेस्ट बहुत हो जाता है। जो भी अभी अभी वेजिटेबल टोमेटो का दाम 60 रुपया है तो ऑफ सीजन में 30 रुपया हो जाता है। हाँ, अभी फिश का रेट 300 रुपया है तो ऑफ सीजन में 200 रुपीज 150 हो जाता है।
और ऐसी भी हो जाता है कभी कभी फ्री भी हो जाता है, क्या इतना फिशी हो गया तो उतना पॉपुलेशन नहीं, उतना पब्लिक नहीं है, बाहर वाला सब अपना घर में छुट्टी में चले गया, तो फिश मार्केट में कभी कभी फ्री में भी दे देता है। अच्छा, फ्री में भी देते हैं? हाँ, फ्री में भी हो जाता है फिश। और वेजिटेबल भी बहुत ज्यादा वेजिटेबल है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग को वेजिटेबल जो है बहुत सारे लेंगे। मैडम कॉफी भी लेंगे, जैसे आप यहाँ रहते हैं ना, तो जैसे आपका जो कल्चर अभी वहाँ थोड़ा बांग्लादेश की वाला रिफ्लेक्ट करता है आपके कल्चर, या प्रॉपर इधर वाला? नहीं नहीं, बांग्लादेश वाला ही है, इधर में जितने हम लोग अंदमान का, हम लोग 40 फैमिली है इधर का सेटलर। अच्छा, जब ब्रिटिश टाइम में हम लोग को भेजा काला पानी, तो हम लोग 40 फैमिली इधर का सेटलर ही है, ओरिजिनल सेटलर। हाँ, जो क्या बोलता है अंदमान सेलुलर जेल, जैसे कैदी सेटलर है, कैदी सेटलर उसका बाद में हम लोग है, जो हम लोग है 40 फैमिली है सेटलर, तो हम लोग का बातचीत भी बांग्लादेशी है। अच्छा, सब स्टाइल बांग्लादेशी मतलब चलता है। ज्यादातर यहाँ पे वो लैंग्वेज जो है कि ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश के अलावा बांग्लादेशी भी है। हाँ हाँ, जैसे हम राजभाई से बात, तमिल और तेलुगु भी पढ़ी थी मैंने। हाँ, तमिल तेलुगु भी है, लेकिन ये आइलैंड में ज्यादा ही बंगला है, बंगाली हैवलॉक में। हैवलॉक में, पोर्टलैंड में आपको तमिल तेलुगु मिल जाएगा, नील में भी बंगाली मिलेगा। अच्छा, नील में भी बंगाली? हाँ, नील में भी बंगाली, हर आइलैंड में, खाली पोर्टलैंड छोड़ के हर आइलैंड में बंगाली ज्यादा है। जो हम लोग आया था बांग्लादेश से, और आपका हाँ बांग्लादेश से, सब जो हम लोग अंदमान का सभी एक्चुअली बांग्लादेश से इधर में आया था। मतलब बांग्लादेश आने का पहले मेरा जनरेशन जो था वो आपका रिफ्यूजी कैंप था। मेरा फादर जब बोलता था, मेरा अब्बा का रिफ्यूजी कैंप था आपका उड़ीसा में, कटक में। अच्छा। 3 साल उधर में रिफ्यूजी कैंप में ठहरा था। अच्छा। अब्बा बांग्लादेश से आके। अच्छा। फिर बाद में 3 साल बाद में इंदिरा गांधी जो डिसाइड करके फिर हम लोग को कालापानी भेजा। अच्छा, उस टाइम पे आया आप जब इंदिरा गांधी? हाँ, हमने मेरा फादर का फादर उस टाइम इंदिरा गांधी बोझा ठीक है, कालापानी करके एक जगह है इस लोग को उधर में। पहले तो काला पानी ही बोलते थे। हाँ हाँ, काला पानी ही बोलते थे, तो हम लोग को इधर में फिर भेज दिया, तो इधर में फिर सेटलमेंट हो गया। अभी हम लोग को वही स्टाइल रह गया ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशी। जैसे अब राजभाई से अभी हम बात करने से बंगला में नहीं बात करता, राजदा बंगाली है, हम भी बंगाली है। अच्छा। राजदा का बंगाली और मेरा बंगाली थोड़ा अलग है। अच्छा। तो हम हिंदी में ज्यादा से ज्यादा बात करता राजभाई से, क्योंकि राजदा का जो बंगाली है और मेरा जो बंगाली है, हम लोग को बोल के समझ में तो आता, लेकिन मजा नहीं आता। जो प्योरिटी है वो नहीं बोल सकता हम राजदा का, जो प्योर बंगाली है, इंडिया का जो बंगाली, जो कोलकाता, कोलकाता का। अच्छा, कोलकाता। हाँ, वो प्योर बंगाली, मेरा को अभी भी डिस्टर्ब होता बोलने के लिए। हम लोग को वही ढकाया बांग्लादेशी जो है, ढकाया बांग्लादेशी, ढकाया बंगाली। अच्छा। जो ढाका बांग्लादेश का ढकाया बंगाली, वही बंगाली हम लोग हर कोई पहले बोलता है इधर का, लोकल लोकल लोग। बहुत से लोगों को ऑफर किया गया था, आई थिंक 70s 80s में, बोलते हैं कि अगर आप यहाँ आना चाहो तो आए। बहुत से लोगों ने मना भी कर दिया था। हाँ, बहुत आदमी नहीं आया, जो आया नहीं आया वो आपका त्रिपुरा आसाम। अच्छा, वहाँ भी गए? हाँ, उधर भी चले गए ना, जो बांग्लादेश से कुछ जो नहीं आने मांगा, कुछ कुछ सुंदरबन बोनगा, कुछ वहाँ जो मेन इंडिया के थे ना। हाँ। उन लोग को भी 70s 80s के टाइम में बोला था, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि कोई और आके वो ना कर ले यहाँ पे कब्जा वगैरह, तो इंडिया वहाँ पे भी बहुत लोग, लेकिन बहुत से लोगों ने जैसे मना कर दिया, तो आप लोग के उसमें भी ऐसा किया था लोगों ने कि हमें नहीं जाना? हाँ, बहुत कोई, जैसे मेरा फादर का जो सिस्टर है, जो मेरा बुआ लगेगा, पीसी बोलेगा, मेरा पीसी इधर में नहीं आया, वो उड़ीसा में ही रह गया। उड़ीसा में ही रह गया, उसका शादी उधर में हुआ, उसका बच्चा उधर में आया, घूमने आया बाद में, लेकिन उस लोग आया नहीं इधर में। लेकिन मेरा फादर का ब्रदर और मेरा फादर के एक सिस्टर, इस लोग आ गया था इधर में। और मेरा फादर का मदर, मेरा फादर का फादर जो है वो उड़ीसा में डेट हुआ उसका। अब उन्हें वो लग रहा होगा कि हम यहाँ क्यों नहीं आए। हाँ, मतलब अभी जब आ रहा है मेरा टाइम में ये, मतलब अंडमान काफी अच्छी जगह लगती है। अभी मेरा जो बुआ का, जो बुआ लगेगा पीसी, पीसी का जो लड़का लोग है, उस लोग अभी आके हम लोग बोलता है, भाई उस टाइम तेरा बुआ नहीं आया तो क्या कर गया यार, उधर का क्या लाइफ है और इधर का क्या लाइफ है यार। हाँ, क्योंकि जैसे जो पहले आए, जैसे अगर अब तो बहुत से लोगों ने अपनी, जैसे जिनकी प्रॉपर्टी थी, रिजॉर्ट्स होटल्स वगैरह खोल लिया, और क्योंकि टूरिस्ट तो अब हर सीजन में आते ही हैं। हाँ। तो मतलब आपको एक जॉब करने की जरूरत पड़ती है या नहीं? जैसे अगर कोई एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ता है जॉब नहीं भी करने से। जैसे मेरा जो है, मेरा फादर, हम लोग जब आया था तो गवर्नमेंट ने हम लोग को फ्री लैंड दिया। 30 बीघा कितना स्क्वायर मीटर होगा राजभाई?
नहीं मालूम हमको, बीघा में 30 बीघा जमीन मेरा फादर मदर प्रॉपर्टी है, मेरा फादर प्रॉपर्टी जो है थोड़ा बाद में आया तो मेरा फादर प्रॉपर्टी में 15 बीघा आ गया, तो इतना प्रॉपर्टी है जो अभी मेरा को रूम रेंट मिलता है। अभी मेरा जो मेरा एक्सपीरियंस अंडमान एक्सपीरियंस जो है मेरा ऑफिस है अंडमान एक्सपीरियंस, उसमें हमको जो रेंट मिल जाता है महीना में उसमें हमको हो जाता है। बाकी मेरा फिशिंग बोट है जो काम में जाता है, नहीं होता तो हम खुद चले जाता है। तो अपना काम करने से जॉब करने का जरूरत नहीं पड़ता, और जॉब करने से तो जॉब का सैलरी तो मिलेगा ही, और जॉब नहीं करने से भी जो सैलरी होता है घर का जो है, जैसे नारियल पे आपको दिन को आएगा तो आपको नारियल पे राम पे चीकू पे ये सब जो चीज है पेड़ है जो ये सबको देखभाल करेगा, सुपारी पेड़ इसे जो फल निकलेगा बेचेगा तो उसमें जो आमदनी आ जाता है उसमें हो जाता है। क्योंकि जैसे हमारे साइड है, हमारे साइड क्या करते हैं सबसे प्रेफरेंस जो देते हैं जॉब को देते हैं, जॉब करने ही है। लेकिन इधर में अंदमान में जॉब का उतना कोई जरूरत नहीं, जो भी है मिलेंट्स ही आके जॉब कर रहे हैं, जितना होटल में वेटर है शेव है मैनेजर है सब मिलेंट्स है। अंदमान का 10% होगा। हाँ नहीं नहीं वो बाहर से आए ज्यादा लग रहे थे। हाँ सब बाहर का ही है, जो जितना स्टाफ है सब बाहर से है। तो अंदमान का लोकल कहाँ जॉब कर रहा है, तो अपना हाँ जो जॉब कर रहे हैं अपना गाड़ी ले लिया 4 व्हीलर 2-3 गेस्ट लोग को ट्रिप मारता है, नहीं तो मेक माई ट्रिप का मारता है, यात्रा का मारता है, अपना अपना खुद का बिजनेस कर रहा है। लेकिन जॉब ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग नहीं करता, गवर्नमेंट जॉब भी करने वाला नहीं मिलता है बोलता है। हमारे वहाँ नहीं है, अभी मेरा चाचा का भाई का लड़का जो था उसको निकोबार ट्रांसफर कर दिया था, पावर हाउस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जॉब का था, पावर हाउस जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जॉब था उसको निकोबार ट्रांसफर हुआ तो बोलता भाई हम निकोबार नहीं जाएगा, हम नौकरी छोड़ देते हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ दिया, वो निकोबार नहीं जाएगा बोलता, उधर में ट्राइबल्स रहेगा जाएगा तीर धनुष मार देगा, हम इधर में से ही है चलो हम नहीं जाएगा, जॉब नहीं चाहिए उसको। और 3 साल करने से पेंशन हो जाता था, पेंशन मिल जाता था 3 साल पहले उसको अंडमान से निकोबार ट्रांसफर हुआ था, लेकिन वो जॉब छोड़ दिया, जॉब नहीं करना मेरे को निकोबार जाने में। तो जॉब गवर्नमेंट जॉब भी इधर में बहुत कमती करने में होता है आदमी लोग, जो अपना जिस लोग लोकल है ओरिजिनल सेटलर है जिस लोग जिसका 30 बीघा जमीन है वो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करना कुछ भरपूर दिया है, कोई जिसका कमी नहीं रखा हम लोग को। जो भी है जैसे हम लोग अभी मेडिकल में जाता है तो हम लोग का फ्री ट्रीटमेंट है, दवाई फ्री है। अगर कुछ बड़ा कुछ ऑपरेशन करना या कुछ भी करना तो हम लोग को चेन्नई में अपोलो में जाएगा तो हम लोग को मोदी सरकार का तरफ से 5 लाख रुपया जो इंश्योरेंस होता है वो 5 लाख रुपया फ्री में देता है फ्री ट्रीटमेंट करने के लिए। हम चेन्नई जाएगा तो फ्लाइट का नहीं है, अगर शिप में गया चेन्नई या कोलकाता गया तो मेरा टिकट का रेट जैसे हम पोर्टब्लेयर हेबलॉक टू पोर्टब्लेयर जाता है तो हमारा मेरा टिकट का 100 रुपया है 80 रुपीज हेबलॉक टू पोर्टब्लेयर जो ये गवर्नमेंट फेरी में, और प्राइवेट फेरी में भी 20% डिस्काउंट 600 हाँ जो गवर्नमेंट प्राइवेट फेरी में भी हम लोग को डिस्काउंट है, और गवर्नमेंट फेरी में भी हम लोग को 100 रुपये टिकट है, और जो मिलन जाता है उस लोग को तो आपको मालूम होगा 450 पॉल्यूशन वगैरह भी हेवलॉक में नहीं है, बहुत कम जिस पोर्ट ब्लेयर में एकदम स्ट्रिक करके रखा। पोर्ट ब्लेयर भी पहले से बहुत बढ़िया हो गया, अभी जो हम लोग का COVID-19 हुआ था हाँ जी उसका बाद में थोड़ा चेंज हुआ क्योंकि बहुत कुछ इधर उधर हो गया, लेकिन कोविड का पहले बहुत फ्रेश था एकदम, आपको लगेगा कि हाँ से नहीं अंदमान। ये जब सुनामी आई थी 2004 में आई थी इधर पानी कहाँ तक आया था, तब हम हैप्पी रिसोर्ट में सर का काम कर रहा था, जो दिन सुनामी आया हम हैप्पी रिसोर्ट में राज सर और हम एक ही सर एक ही बेड में सोया था, और सुनामी सवेरे 6:30 बजे तक होना शुरू हो गया। तो अब तेरा राज भाई से पूछो, राज भाई उस टाइम स्विमिंग नहीं जानता, राज भाई को स्विमिंग नहीं जानता, और सुनामी आ गया तो हम पानी देखने से पहले राज भाई को लेके भाग रहा था कि भाई को तो सुनामी स्विमिंग नहीं आता तो पहले भाई को बचा ले, मतलब मैं पानी में फेंक दोगे तो मैं फ्लोट करते रहूंगा, मैं तैर के इधर उधर जाऊंगा, लेकिन जहाँ थोड़े वेव्स हुए तो बस मैं डिसबैलेंस हो जाता हूँ। वो तो क्योंकि मुझे भी स्विमिंग नहीं आती है, आप स्विमिंग पूल में मेरे को फेंक दीजिए मैं तैरते रहूंगा फ्लोट उल्टा होके, यहाँ पे भी लेकिन थोड़े गहराई में चला गया तो पैनिक आ जाता है। होता है जिसे स्विमिंग नहीं आती है उसको होता है,
उस सुनामी सुनामी में मैंने सुना कि बहुत ज्यादा वो हुआ। आपका रिजॉर्ट यही हैवलॉक में था? हैवलॉक में था, ये इस रोड से भी आप आए ना जेटी से? हाँ जी। तो इसी के बीच में पड़ता है, बीच साइड में। अभी भी है? नहीं, 2010 में हमने देखे, मैं जर्मनी चले गए। हाँ, बता दे कि आप जर्मनी, मतलब वहाँ जर्मनी चले गए थे, मतलब आपने किसी और को दे दिया। तो उसमें आपके रिसॉर्ट को भी कुछ नुकसान हुआ था? जब सर जितने रिसॉर्ट हैं जो बीच साइड में थे ना, 2004 तक बहुत ज्यादा रिसॉर्ट भी नहीं थे, लगभग तकरीबन 10-12 होंगे। अच्छा, पूरे बीच में एडलॉक के। तो ये चक्कर क्या हुआ कि 26 दिसंबर कल था, 26 दिसंबर। अच्छा, उस समय क्या भूकंप आते रहते थे यहाँ अक्सर, लैंप जलने लग जाता था। लेकिन उस दिन सुबह एक भूकंप आया, वो 1.5 मिनट से ऊपर था और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था 8 point something रिचर स्केल्स में था। अच्छा, 8 point something? हाँ, 8 के आसपास, 8, हाँ, एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और जमीन फट भी गई थी 2-4 जगह। वो और माया गोविंदो, अच्छा, रिसोर्ट में टूरिस्ट फुल थे, सब वेस्टर्न टूरिस्ट थे, और एमक भी लगा हुआ था, टेंट भी लगे हुए हैं, क्योंकि पीक टाइम है, क्रिसमस सेलिब्रेट हुआ लास्ट नाइट, बहुत पार्टी वार्टी हुई है। तो सभी, और भूकंप जब आया तो कुछ झोपड़ी खोल के, अपने हट्स खोल के देख रहे हैं कि इतना भारी क्या हिल रहा है, ऐसा भूकंप, कुछ तो नींद में उठे नहीं। 8.4 तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप अगर पर्सनली एक्सपीरियंस करेंगे ऐसे भूकंप, तो एक आपके लग, मेरे को तो फील हुआ था कि बॉडी के कुछ केमिस्ट्री में भी फर्क आ जाती है। अच्छा, हाँ, एक ऐसा, क्योंकि लग रहा है ये रुक क्यों नहीं रहा है और इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, है कि नहीं? अब क्या होगा, कैसा होगा? तो इस ये हुआ, रुक गया, और हम बालू के वो समंदर सामने, जैसे एकदम पास में रूम था मेरा बीच के ऊपर, और सुबह के 7:30 पानी नीचे, अच्छा पूर्णिमा का टाइम था, पानी नीचे जाना शुरू हो गया। तो पानी नीचे जाना शुरू हुआ तो उधर से भी आवाज आ रही है कि अरे पानी नीचे जा रहा है, इधर से भी आ रहे हैं, सब सेटलर लोकल लोगों का घर था, क्योंकि रिसोर्ट इस साइड में भी नहीं है, इस साइड में भी नहीं है, मेरा ही एक रिसोर्ट था वहाँ, बाकी सब खाली। फिर एक इधर आके था एमेजोन। तो पानी नीचे जाते जाते वो जो पानी आप देखेंगे सामने, पानी का ये चाड़ है, बहुत गहरी नाली है जिससे बोट आती है, बहुत डीप है, और साइड में चाड़ है। पानी इतना नीचे चला गया कि सामने की चाड़ पहाड़ी जैसी दिख रही है, और लोग आदमी बोले ऐसा तो कभी नहीं देखा, ये मतलब क्या है? देखते देखते फिर आवाज आ रही है, पानी वापिस आ रहा है और तेजी से आया होगा। पानी नीचे गया है और स्पीड से आया, तो आया और आते घुसा, घुसते 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 रोड तक आ गया। हाँ, 3 बार आया गया, लेकिन ये कुछ भी नहीं, क्योंकि आई तो उस तरफ से सुनामी, तो उस तरफ कोई रिसोर्ट नहीं है। अच्छा, 7 नंबर बीच है, रिसोर्ट इस तरफ, 7 बीच नंबर 7 कौन सा? विजयनगर के पास था? बिल्कुल बिल्कुल, राधानगर, राधानगर एलिफेंट बीच है उस तरफ, राधानगर एलिफेंट बीच। हाँ, राधानगर के बगल पास ही एलिफेंट बीच है। हाँ, उस तरफ लहर आके थोड़ा मारा। अच्छा, इधर में क्या है कि घूम के यूं पानी आया ना। हाँ जी। और इसके सामने अच्छा, पहले ऐसे करा और ऐसे आया, तो थोड़ी स्पीड कम हो गई होगी, स्पीड कम हो गई उसकी। अच्छा, तो नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाता। और सामने बहुत से आइलैंड है, जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, आउट्रा, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसके ठीक सामने। कहाँ पे? आप इस हैवलॉक से जब इस 2 नंबर बीच से खड़े होंगे, सामने की तरफ देखेंगे तो आइलैंड्स दिखते हैं, आइलैंड्स दिखते हैं इधर। हाँ, तो उसे आप देखोगे वो एक आइलैंड में प्रॉब्लम क्या, आपको पता नहीं चलता है ये 2 अलग आइलैंड है कि एक है। इतने पॉपुलर भी नहीं है वो आइलैंड्स, वो रिस्ट्रिक्टेड है ना, कोई जा नहीं सकता। हाँ जी, क्योंकि मैंने नाम नहीं सुना है इससे पहले, ये आपने बताया तब सुना मैंने नाम। जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, विल्सन आइलैंड, ये सब सामने ही है, बट नो पॉपुलेशन, नो वन, कोई रहता नहीं है, यहाँ रहते हैं, नील में रहते हैं उस तरफ से है। तो अगर फॉरेस्ट रिजर्व है, मेरे ख्याल से रानी झांसी रिजर्व है, वो झांसी की रानी, ना रानी झांसी रिजर्व है, हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। तो ये नाम चेंज हो गया है उसका, नाम उनके वही है, लेकिन पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम रिजर्व है वो। अच्छा, तो झांसी, रानी झांसी रिजर्व है वो। अच्छा, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्ट, कुछ एरिया करके रखे हैं, डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन है नाम उसका, आप चेक करोगे उसमें तो पता चल जाएगा। अच्छा।
तो पानी तो उतना पानी आया नहीं, और सारे वेस्टर्न टूरिस्ट थे, इमीडिएटली उनके पासपोर्ट्स बहुत जरूरी हैं, उनके कैश भी वो हमारे साथ रहते थे, बहुत से रिसोर्ट्स के निकल गए, हमारा नहीं निकला, हमने दे दिया। अच्छा लोकल कमेटी, जैसे इंडिया में एक चीज़ मालूम है ना, जब प्रॉब्लम आए तो कोई पीछे खड़ा हुआ मिल जाता है, वो जितना भी बुरा टाइम हो चले। तो यहाँ पे भी पंचायत अपना एकदम इमीडिएटली टिकरी, पहाड़ की टिकरी के ऊपर फ्री खाने पीने का अरेंजमेंट शुरू, सब टूरिस्ट वहाँ फ्री, 5-6 दिन खाना चल रहा है उनका फ्री में। अच्छा, फ्री में यहाँ की सप्लाई है सब। मेन तबाही हुई तो निकोबार और कैंबल बे में। ग्रेट निकोबार जब आप मैप देखते हैं तो यूं जा रहा है ना, जो सबसे नीचे है। अच्छा, हिंदुस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश और उधर पाकिस्तान, जो बांग्लादेश वाले थे इनको भेजा गया अंडमान, और जो पंजाब वाले उधर से थे उनको भेजा गया निकोबार। अच्छा, ये दो अलग अलग वो करे गए। बिल्कुल, वो निकोबार में आपको सरदार मिलेंगे, मराठी मिलेंगे, के साइड वो उनको निकोबार भेजा गया। अच्छा, हाँ वहाँ पे पंजाबी पॉपुलेशन है ना, मराठीज भी हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन मेन पॉपुलेशन पंजाब, वो आपको पंजाब दिखेगा, पान खाते पंजाब, लेकिन पान खाते पंजाबी आपको निकोबार में। आप कह रहे हो कि पंजाबीज मिलेंगे, तो वो तो पंजाबी अभी तक भी बोलते सब, पूरा सब वैसे ही है एकदम एकदम बिल्कुल। और अंडमान 90% बंगालीज है, तो अंडमान का पड़ा था मैं। वहाँ पे जो सुनामी आई थी उसने तो इंदिरा पॉइंट जो है, द लास्ट पॉइंट इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट, तो जो लाइट हाउस थी उसकी सिर्फ मुंडी नजर आ रही थी, उससे याद है फोटो जो है 20 रुपये का नोट का पीछे में है जो लाइट हाउस, वो तो नॉर्थ बे आइलैंड है। हाँ वो नॉर्थ बे है, वो जो दिखता है साइड इधर से, ये कोल्ड ब्लड में वो नॉर्थ बे बोलता वो है। ये दूसरा है नॉर्थ, जो वो 20 रुपीज के उसमें, वो तो नॉर्थ बे आइलैंड का है व्यू, इधर जो माउंट हैरियट से दिखता है वो व्यू सेम, माउंट हैरियट से दिखता है, लेकिन वो पर्टिकुलरली पिक्चर जो है वो आप पोर्ट ब्लेयर जाइएगा तो वहाँ पे एक फॉर्चून रिसोर्ट बोलते हैं, फॉर्चून पहले बे आइलैंड था, किसी को पूछेगा बे आइलैंड कहाँ है तो बोलेगा बे आइलैंड बना फॉर्चून, उसी का नाम चेंज हुआ है। अच्छा, उसका लोकेशन वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, बहुत पुराना होटल है, वो बिल्कुल सिमिलर है, वो वही है एक्चुअली, वही जगह है, वहाँ लिखा भी हुआ है ये 20 रुपीज नोट बड़ा एक लगाया हुआ है डिनर की प्लेस में, और वो व्यू के साथ कंपेयर कर सकते, वो पर्टिकुलर पॉइंट वही है, लेकिन वो एक प्राइवेट जगह पड़ जाती है तो हर कोई वहाँ पे नहीं जाता है। माउंट हैरियट से भी सेम चीज दिखती है, क्योंकि आप जो पॉपुलर है वो यही कहते हैं कि माउंट हैरियट से दिखती है जगह, माउंट हैरियट में भी एकदम टॉप से नहीं दिखती है, वो आपके एक मिडिल पॉइंट है, छोटा सा रोड के साइड पे थोड़ा सा व्यू पॉइंट भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही बना हुआ है, वहाँ से थोड़ी वो लगती है कि हाँ ये वही जगह है जहाँ से वो लिया। मैं पर्सनल गॉसिप में बता रहा हूँ कि अभी आप जैसे सोच रहे हैं कि अरे बहुत अच्छा अंडमान में आके है कि नहीं, क्योंकि हम तो थोड़े टाइम के लिए आते हैं ना। हाँ तो ये जगह बहुत सुंदर जगह है, सुंदर थी भी है भी रहेगी भी, लेकिन हमारे इनकी लाइफ जैसे है, इनके फादर या ग्रैंडफादर जो पिछले जनरेशन के जो हैं उन्होंने इस वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस जगह को इस जगह तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि मेनलैंड से शिप सिर्फ महीने में एक बार आती थी, उस टाइम पे एक बार शिप आती थी, पोर्ट ब्लेयर से यहाँ बोट महीने में एक बार आती थी। अरे बाप, हॉस्पिटल की जगह में 2 रूम थे जेटी में, ये जो आप रोड देख रहे हैं ये रोड कच्चे रोड थे सब, यहाँ इनके ग्रैंडफादर फादर मतलब वो जनरेशन कहते हैं कि यहाँ जब पहला हिंदू मरा है उसके फूल भी जो है मेनलैंड से आए थे, यहाँ पेड़ पौधा ही नहीं था, कोई फूल का पेड़ नहीं था, आरती करने के लिए ढोल ये वो सब मेनलैंड से आया, वो जगह तो इनके ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर उन्होंने इतना समय दिया, नारियल पेड़ लगाए। अच्छा, और ये सब उस मतलब जो फोर फादर्स आए हैं जिन वो पूरा सुपारी पेड़ गवर्नमेंट के सपोर्ट से, लेकिन वो ये उनके वक्त दिया हुआ जो है, क्योंकि उस समय बहुत लाइफ टफ होती थी, ऐसा भी होता था कि कोई वेजिटेबल नहीं आइलैंड में है ना, कुछ भी मिला उसको पका के खा, और यहाँ पे वो सुपारी वगैरह के पेड़ भी मैंने बहुत देखे, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे वहाँ मतलब ये बांग्लादेश से बहुत आए शायद, वहाँ पे खाने का है ज्यादा सुपारी वगैरह,
तो शायद इसलिए ज्यादा लगे हैं यहाँ पे ये पेड़ भी। हाँ वो भी है, और यहाँ का मौसम भी उसको सपोर्ट करता है उसको, मतलब दोनों है, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रही है दोनों एक दूसरे को। पान खाने कल्चर वाले हैं, मतलब थे, और जो ये क्लाइमेट था दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, तो वो तो मेन एक चीज मैच कर गई, मैच कर गई। और बढ़िया रहा इसलिए, वो इतना स्ट्रगल किए, स्ट्रगल करने का मतलब कि वो फेस किए। हाँ जी, फेस करते करते टूरिज्म शुरू हुआ तो अब जैकपॉट खुल गया। ये पिछले 15 साल से मैं ये डिटेल्स एकदम नहीं जानता, कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे, कौन से टूरिज्म चल, ये सब नहीं मालूम अभी, क्योंकि मैं यार अभी रहता ही नहीं। और मतलब वही मैं कहती हूं, फॉरेनर्स मैंने देखा तो ये बता रहे थे कि कोविड की वजह से कम हो रखे हैं। और गोवा में पता नहीं क्यों, जबकि यहाँ की जो ये सी वगैरह है ज्यादा साफ है, वो है वहाँ के कंपैरिजन में वहाँ बहुत है। लेकिन या तो वहाँ नाइट लाइफ है बहुत ज्यादा, यहाँ पे नहीं है, इस वजह से आते हैं। देखिए पहले तो यहाँ फॉरेनर्स ही आते थे, दूसरा इंडियन थे नहीं, नहीं आते डॉल्फिन, ऐसा नहीं नहीं थे, आते थे इंडियन टूरिस्ट थे, लेकिन डॉल्फिन में रुकते थे वो गवर्नमेंट के कोई या गवर्नमेंट के कोई इम्पोर्टेंट फ्लाइट में आ रहे हैं, लेकिन फॉरेनर्स जो आते थे शिप में आते थे, फ्लाइट तो बहुत महंगी थी। हाँ पहले जो आते सब शिप में ही आते थे, फ्लाइट तो थी ही नहीं, कमर्शियल फ्लाइट थी लेकिन उसमें आने का बहुत पैसे, उसमें ये तो 2007-08 में शुरू हुआ चीप फ्लाइट। हाँ कमर्शियल फ्लाइट इतने लोग आ रहे हैं, फिर पैकेज बन गया, प्लान हो गया, तो वो आते थे आके 6 हफ्ते रुकते थे, 6 हफ्ते रुकते थे क्योंकि उनका परमिट ही 6 हफ्ते का रहता था, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। तो जब मेरा लड़का हुआ 2007 में, 7 से लेके 9 तक मुझे दिल्ली से जाके लॉन्ग टाइम परमिट बनाना पड़ता, नहीं तो उसको ऐसा भी हुआ है कि लेके मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, कलकत्ता से फिर लेके आ रहा हूँ 45 दिन बाद, शिप में जा रहे हैं 4 दिन लगते थे शिप में, ऐसा फेस करना पड़ता था। तो फॉरेनर्स होते थे और ये सीन अलग था थोड़ा, यहाँ शिप में आना तो मुझे तो टॉर्चर ही लगता है, सी सिकनेस वगैरह। अब इस मौसम में और दिसंबर जनवरी में अपना हैमक बांधिए बाहर डेक में, आप सनराइज भी देखेंगे सनसेट भी देखेंगे, कभी कभी ऐसा देखेंगे दोनों ही एक साथ, ये घुसा नहीं और ये निकला नहीं, शेप का बहुत बढ़िया उसका वो है। लेकिन हाँ वो कोई क्रूज नहीं है तो अच्छी बात है, कोई क्रूज नहीं है, नहीं तो उसमें वही ताम झाम रहेंगे। इसमें तो क्या पूरा एक गांव जैसे मूव कर रहा है, उसमें क्लास है डोमेट्री क्लास, उसमें बंक क्लास और अलग अलग वो क्लास बन गया एक, और थोड़ा एक फैशनेबल मतलब एक्सपेंसिव वाले लोग कैमरा लेके, आप कैमरा से फोटो ले रहे हो तो 8-10 खड़े होकर आपका कैमरा ही देख रहे हैं, एक अलग मॉल, गाना बजाना ये तो बहुत अच्छा मॉल होता, वेदर खराब हो तो कभी नहीं जाना। वो शेप भी हाँ, फिर वो टाइम भी ज्यादा लग जाता है। हाँ टाइम भी ज्यादा, 5 दिन भी लग जाते थे, 5 दिन भी लगते थे। हमें तो भी अभी क्रूज से भी आए, जैसे हेमलॉक से आए यहाँ ब्लू ओशन में आए हम, क्योंकि मैक्रूज क्योंकि पूरा बंद है, तो उसमें वो बहुत मतलब उसमें भी फील हुआ हमें ग्रीन ओशन में, जबकि उसमें अलाउड है, रॉयल वाला किया था हमने रॉयल क्लास, बट अंदर बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि पता नहीं हमें ही हुआ या सबको होता, हम नॉर्थ इंडियन से क्या रोलिंग हो रही थी, नहीं रोलिंग नहीं भैया, जैसे लोकल उल्टी आना सा ये सब चीजें फील हो रही थी, पता नहीं सबको तो मुझे लगा नहीं कि फील हुई, बट हमें तो फील हुई। क्यों फील हो रहा था, क्योंकि शिप मूव कर रही है, मूव करने मतलब ज्यादा नहीं कर रही, नॉर्मल ही कर रही थी, बट हमें हो रहा था फिर भी, या तो हम नॉर्थ इंडियन से ज्यादा इसमें जाते नहीं है इसलिए फील हो रहा था, मतलब लोग मजे से खा भी रहे थे खाना वगैरह, लेकिन हाँ मतलब वो 2 घंटे भी बहुत अजीब सा फील हुआ उसमें आना है यहाँ, और ये 5 दिन का है, और ये अगर मौसम खराब हो तो बहुत मुश्किल है। नहीं हम तो यहाँ तो मौसम भी खराब, जैसे भैया आप लोग जाते हैं आप लोग को फील नहीं होता होगा, हम लोग को कुछ नहीं है, हम लोग तो अपना फिशिंग बोट में भी पोर्ट ब्लेयर चले जाते हैं, तो उसके लिए कुछ है जैसे अगर जैसे किसी को कुछ फील होता, मैं तो जैसे मेरे एक फ्रेंड वगैरह थे नेवी में, तो वो कहते कि स्टार्टिंग में हमें भी होता था, तो हम वो हाजमोला लेके चलते थे, हाजमोला कोई नींबू लेके भी चढ़ता है, कोई नींबू लेके भी चढ़ता है, वो स्मेल से नहीं आती है। हाँ ये तो होता है, क्योंकि हम लोग को जो लोकल है हम लोग अंडमान का, हम लोग को ये हैबिट हो गया,
आपको हैबिट हो गई, हैबिट हो गई। हम लोग को बोट में बैठा बहुत सारे टूरिस्ट में आते, या तो फिर वो कोस्टल एरियाज के ही होंगे शायद, इसलिए फील होता। मतलब हमें तो 2 घंटे जो सोचे थे एंजॉय करेंगे, हमने एंजॉय कुछ नहीं किया, हम बैठ रहे की बात। अभी तो राफ ये चल रहा है, सी राफ चल रहा है। अभी आप शिप में बैठेंगे तो आप बोलेंगे हम कभी शिप में चले जाएंगे। अच्छा, अभी जो ये साइक्लोन हो रहा है ना थोड़ा दिन से, 3-4 दिन से, आज सी थोड़ा ठंडा है, इंडिया कल बहुत। आप कल, आप लोग 2-3 दिन में आए कि और टाइम हो चुका? कल आ चुके थे यहाँ, पोर्ट ब्लेयर 3 दिन रहे पहले। तो जब आ रहे थे तो ठीक था? नहीं, अच्छा नहीं, थोड़ा सा था, थोड़ा उसके पहले भी कैंसिल हुआ था। हम रॉस और नॉर्थ बे आइलैंड जाने वाले थे तो बंद हो गया था, तो वो कहते से पहले भी 10 दिन बंद रहा, फिर दिन में एक दिन खुला था 2 बजे से। फिर रफ सी है, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं इसको आके बताया कि मैं आया हूँ 2 दिन हुए हैं, कल उससे पिछले दिन बोट में आ रहा हूँ। वो जो रॉस का आइलैंड, वो जो एरिया निकलता है जब तक ना, बोट कुछ ज्यादा ही जंप मार मार के, और कोई किसी से बात नहीं कर रहा। हमें लगा कि हमें फील हुआ कि नॉर्मल यही होता है, क्योंकि हम पहले आए बैठे नहीं है ना, तो हमें लगा नॉर्मल। बट हाँ ये क्या, जैसे रॉस और नॉर्थ पे आइलैंड का हमारा कैंसिल हुआ तो उसमें बता रहे थे कि वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, और उसमें भी शायद कल भी हो रहा होगा, तो शायद आज से एकदम नॉर्मल है। अब अभी जाने का टाइम देखिएगा, आपको फीलिंग भी नहीं होगा। आप अगर प्राइवेट में गया कोई भी फीलिंग नहीं होगा सी से, क्योंकि मैक्रूज में भी ना भैया होता है, क्योंकि पहले एक आए थे हमारे अभी थोड़े दिन पहले नोन थे, तो वो मैक्रूज पूरी बंद रहती कह रहे हो, तो एसी कैबिन है उसमें, जैसे इसमें भी एसी कैबिन है बट वो अलाउ कर देते थोड़ी बार डेक में आ जाओ आप, तो उसमें वो कहते कि बहुत बुरा हाल हो जाता है, मतलब बहुत, मतलब रहना मुश्किल है। तो हमने फिर इसलिए ग्रीन ओशन किया, और उसमें वही बहुत आराम से था, रॉयल क्लास बहुत, लेकिन वो एसी में भी नहीं रहा जा रहा था। कल रापसी था, परसों भी था, एक हफ्ता से चल रहा है चीज। वो कहते कि 10 दिन, मतलब हम पोर्ट ब्लेयर से कल आए ना, तो परसों हमारा कैंसिल हुआ था। वो कहते हैं उससे पहले दिन 2 बजे के बाद खुला था, उससे पहले भी 10 दिन बंद था पूरा। हाँ बंद था, एकदम सी साइड जाना भी मना था। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, चलिए सी यू लेटर। चलो अब हम निकल रहे हैं, गुड नाइट अपने जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ के लिए, और आपसे आप सबसे मिलते हैं कल, और स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।